हेलो एवरीवन, आई एम अभिजीत, फाइनल ईयर वेटरनरी स्टूडेंट। अगर आपको बीवीएससी यानी कि वेटरनरी में एडमिशन लेना है तो आपको कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। तो आज हम बीवीएससी एंड ईएच एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है उसे डिटेल्स में देखने वाले हैं। अगर आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया तो ही आप वेटरनरी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो और आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर कोई स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं है तो उसका काउंसलिंग करने का कुछ फायदा ही नहीं होगा। मेरा मोटो यही है कि जो फ्यूचर वेटरनरी डॉक्टर्स हैं और जो न्यू वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनको ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन और इंस्पिरेशन मिलता रहे। कोई भी यूट्यूब चैनल पर वेटरनरी की इतनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता है। मेरा प्रयास यही है कि आप सभी को वेटरनरी की सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता रहे। बीवीएससी एंड ईएच 5.5 ईयर का डिग्री कोर्स है। बीवीएससी एंड ईएच के एडमिशन के लिए टोटल 5 क्राइटेरिया है। फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, सेकंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, थर्ड है एज, और फोर्थ है मीडियम कौन सा होना चाहिए, और फिफ्थ है सर्टिफिकेशन। सभी क्राइटेरिया को हम शॉर्टली और डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 12th बोर्ड में साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है। जो अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इन सभी को मिला के 50% मार्क होने चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश मिला के 47.50% जरूरी है। सेकंड क्राइटेरिया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नीट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीट के बेसिस पर ही बीवीएससी एंड ईएच के एडमिशन होते हैं। नीट इज कंपलसरी फॉर दी बीवीएससी एंड ईएच। अदर कोई भी स्टेट की एग्जाम आपको अलाउ नहीं करेगी बीवीएससी ईएच एडमिशन के लिए। थर्ड क्राइटेरिया है एज। अब जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको मिनिमम 17 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर का क्राइटेरिया है, और जो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया है, यानी कि उनको 30 ईयर तक एडमिशन मिल सकता है। और फोर्थ क्राइटेरिया है कि मीडियम कौन सा होना चाहिए। 12th बोर्ड में आपका साइंस स्ट्रीम में इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन जो एडमिशन कैंडिडेट है उसके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, जिसमें जो जो सर्टिफिकेट एडमिशन के लिए चाहिए वो सभी सर्टिफिकेट एडमिशन कैंडिडेट के पास होने चाहिए। कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए बीवीएससी एंड ईएच एडमिशन के लिए उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये 5 क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद ही आप बीवीएससी एंड ईएच यानी कि वेटरनरी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपको वेटरनरी की पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को इसकी हेल्प हो सके। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।